और केंद्र हो या फिर राज्य सरकार, राष्ट्र भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हैं और ऐसे में इन दिनों जलदाय विभाग सवालों के घेरे में है, क्योंकि आरोप है कि जलदाय विभाग में उन भ्रष्ट और अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों की तैनाती है जिनके खिलाफ केस दर्ज है। और वहीं जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के मामले में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बयान भी चर्चा में है। ये रिपोर्ट देखिए। सवालों के घेरे में प्रदेश का जलदाय विभाग, मलाईदार पदों पर भ्रष्ट अधिकारियों की तैनाती। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल मीणा ने जल जीवन मिशन योजना में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा कर कांग्रेस की नींव हिला दी थी। उनके खुलासे के बाद प्रवर्तन निदेशालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सीबीआई अब तक 56 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर चुका है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महाघोटाले में शामिल पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सरकारी कामकाज के एवज में घूसखोरी करने, सरकारी योजनाओं में वित्तीय अनियमितताएं बरतने, फर्जीवाड़ा करने, पद का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे भी दर्ज हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज है वो बड़े पदों पर आज भी काम कर रहे हैं। ये दिनेश गोयल को कहां दे रखी है? चीफ इंजीनियर कहां दे इनको? कहां दे? मुख्यालय में। मुख्यालय में बैठा कहां किस प्रोजेक्ट के काम पे दे रखे? कहां किस जगह पे दे? ये आपको लगता होगा प्राइम पोस्टिंग, जहां जहां पैसे खाने का होता है वहां पे प्राइम पोस्टिंग मानी जाती है इंजीनियर्स के। तो प्रशासन, मैं मीडिया में बोल रहा हूँ। आइए अब एक नजर डालते हैं उन अधिकारियों पर जिन पर पिछली सरकार में जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर ईडी, सीबीआई, एसीबी ने मुकदमे दर्ज किए थे। उनमें पहला नाम है रामकरण मीणा, मुख्य अभियंता क्वालिटी कंट्रोल के पद पर विराजमान, जिन पर 50,000 करोड़ रुपए की सभी पेयजल परियोजनाओं और उनमें लगने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने की जिम्मेदारी है। दूसरा नाम है दिनेश गोयल, मुख्य अभियंता विजिलेंस एवं प्रशासन, जिन पर 50,000 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं की जांच का जिम्मा और विभाग के 30,000 से ज्यादा इंजीनियर्स और कर्मचारियों के प्रशासनिक मुखिया की जिम्मेदारी है। दिलीप कुमार गौर, मुख्य अभियंता जल जीवन मिशन, जिन पर 30,000 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन योजना की जिम्मेदारी है। केडी गुप्ता, मुख्य अभियंता ग्रामीण इलाकों की 30,000 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं की पूरी जिम्मेदारी है। महेश जांगिड, अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्पेशल प्रोजेक्ट भरतपुर, एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथों दबोचा, अब मुख्यमंत्री के गृह जिले एवं भरतपुर संभाग के सभी बड़े प्रोजेक्ट के मुखिया की जिम्मेदारी। निरील कुमार, अधीक्षण अभियंता स्पेशल प्रोजेक्ट भरतपुर, भरतपुर संभाग के सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण स्पेशल प्रोजेक्ट की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी इन पर है। बीएस जाजू, अधीक्षण अभियंता जल जीवन मिशन, 30,000 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन योजनाओं में अहम जिम्मेदारी। ये सभी वो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन पर कांग्रेस के कार्यकाल में महाघोटाले को अंजाम देने के आरोप हैं। लेकिन जिन अधिकारियों के खिलाफ भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को अब इन भ्रष्ट अधिकारियों में कोई खोट नजर नहीं आ रहा है। स्टाफ हुआ कहीं कहीं किसी न किसी को तो उसको काम, मतलब जितना हमारे पास इंजीनियर्स है, ये तो मेरे पास प्रमोशन की फाइल आ रखी है। मैं प्रमोशन खुद इसलिए नहीं कर रहा कि पहले मेरे पास जेईन की भर्ती करूंगा तब दूंगा ना नीचे मेरे मॉनिटरिंग। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसलिए हुआ कि नीचे के कोई मॉनिटरिंग के लिए जेईन ही नहीं है हमारे पास में। 600 जेईन होंगे तब जाके नीचे मॉनिटरिंग हो। कॉन्ट्रेक्टर एक, जहाँ पे पहले एक जेईन के पास में केवल एक कस्बा होता था, आज उसके पास में उससे 50 गुना काम बढ़ गया, वो उसकी मॉनिटरिंग नहीं पड़ता। भ्रष्ट अधिकारियों को मलाईदार पोस्टिंग देने के मामले पर भले ही जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का नजरिया कुछ भी हो, लेकिन कार्मिक विभाग के सर्कुलर को देखिए। सभी विभाग अध्यक्षों को जारी किए गए सर्कुलर में राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने इस मामले में सख्त नियम जुलाई 2001 में ही बना दिए हैं। कार्मिक विभाग के नियम अनुसार आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सरकारी सेवकों को फील्ड पोस्टिंग या किसी भी जिम्मेदार पद पर नहीं बिठाया जा सकता। आरोपों की जाँच पूरी नहीं होने तक किसी प्रकार के पब्लिक ग्रीवेंसेज वाली जिम्मेदारी ऐसे कार्मिकों को नहीं दी जा सकती। यही नहीं, किसी भी वित्तीय जिम्मेदारी वाले पद पर भी ऐसे कार्मिकों को नहीं लगाया जा सकता है। वो उसकी मॉनिटरिंग नहीं पड़ता, उसको प्रोग्रेस दे दे कि टारगेट दे कि 2024 में आपको जेजीएम पूरा करना है। कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे पहले 5,000 करोड़ के काम चलते थे, आज उस यहाँ पे 50,000 करोड़ के काम चल रहे हैं, तो उसको उसकी उस रेशो के अंदर दोगे ना, मैं कर दूंगा तो नीचे कौन रहेगा।
बहरहाल कांग्रेस सरकार के खिलाफ जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल करने वाली सरकार के जलदाय मंत्री का भ्रष्टाचार के प्रति नजरिया बदला हुआ नजर आ रहा है। जलदाय विभाग में भ्रष्टाचारियों के बढ़ते दबदबे से नाराज सरकार के ही वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चिंता जताई है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सीएम से सख्त कदम उठाने की अपील की है। लेकिन विभाग के मुखिया का बयान सरकार के खिलाफ विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे सकता है। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी ने मंथन पूरा कर लिया है, लेकिन मंथन के बाद सामने आ रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम का असर मंत्रियों और विधायकों के सियासी भाग्य का फैसला भी करेगा। बीजेपी जिन विधानसभा क्षेत्रों से अपनी बढ़त बरकरार रखने में कामयाब रही है, वहां के मंत्रियों की सरकार में नंबर बढ़ने तय माने जा रहे हैं। तो जहां पर पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, वहां के मंत्री जी की कुर्सी पर भी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इसे पर रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी मिशन 25 को पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में बीजेपी ने नतीजों के 10 दिन बाद चिंतन मंथन करके अपनी रिपोर्ट आलाकमान को देने की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो बीजेपी में ये चर्चा है कि जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 2014 और 2019 की तरह बढ़त बरकरार रखी है, वहाँ से चुनाव जीतने के बाद मंत्री जी की कुर्सी भी सलामत रहेगी। पर जहाँ बढ़त कम हुई है या कांग्रेस ने सीट जीती है, वहां के मंत्री जी की कुर्सी पर संकट मंडराना शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी ने हर मंत्री को एक लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया था, साथ ही जिम्मेदारी दी थी कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से भी बढ़त दिलाए, मगर बीजेपी को अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिला और पार्टी 25 में से सिर्फ 14 सीटें ही जीत पाई। आइए एक नज़र डालते हैं कि किस मंत्री के इलाके से क्या परिणाम रहा भाजपा का। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। श्री गंगानगर मंत्री सुमित गोदारा, प्रियंका बैलान चुनाव हार गयी। गोदारा के क्षेत्र लूंड करंटसर से अर्जुन मेघवाल चुनाव जीते। चूरू मंत्री अविनाश गहलोत, देवेंद्र झाझड़िया चुनाव हार गए। गहलोत के क्षेत्र से महिमा सिंह जीती। सीकर गौतम दत्त, स्वामी सुमेधानंद बुरी तरह से चुनाव हारे। बड़ी सादड़ी में सीपी जोशी जीते। जयपुर ग्रामीण किरोड़ी लाल मीणा, राव राजेंद्र सिंह हारते हारते जीते। दौसा और टोंक सवाई माधोपुर में भी पार्टी को नहीं जीता पाए। जयपुर शहर जोगाराम पटेल, मंजू शर्मा की जीत का श्रेय जोगाराम के खाते में। लूनी में गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी बढ़त दिलाने में भी कामयाब रहे। अलवर सुरेश रावत, भूपेंद्र यादव की जीत हुई। पुष्कर में भागीरथ चौधरी जीते। भरतपुर संजय शर्मा, रामस्वरूप कोहली चुनाव हारे। अलवर शहर में भूपेंद्र यादव को बड़ी बढ़त दिलाने में कामयाब रहे। करौली धौलपुर जवाहर सिंह बेढ़म, इंदु जाटव बुरी तरह चुनाव हारी। रामस्वरूप कोहली को भी नहीं जीता पाए। दौसा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल मीणा की बुरी तरह हार हुई। झोटवाड़ा से राव राजेंद्र सिंह को जीत दिलाने में कामयाब रहे। टोंक सवाई माधोपुर मदन दिलावर, सुखबीर सिंह जौनापुरिया बुरी तरह चुनाव हारे। रामगंज मंडी से ओम बिरला को बढ़त दिलाई। नागौर कन्हैया लाल चौधरी, ज्योति मिर्धा को जिताने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। सुखबीर जौनापुरिया भी बुरी तरह हारे चुनाव। ये रिपोर्ट आंकड़ों के आधार पर बीजेपी संगठन में तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये रिपोर्ट दिल्ली आलाकमान के सामने पेश की जाएगी। राजस्थान में लोकसभा चुनावों में जो परिणाम निकल कर आए, उसकी समीक्षा के लिए जैसे पार्टी की एक हर समय की पद्धति रहती है, हमारी रीति नीति है, उसके अनुसार दो दिन हमने मंथन किया। भजन लाल सरकार में 6 मंत्रियों के पद खाली हैं। चुनावी नतीजों के बाद ये माना जा रहा है कि बेस्ट परफॉर्मर मंत्रियों को और बेहतर महकमे दिए जा सकते हैं, तो नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की सरकार से छुट्टी भी हो सकती है। ऐसे में उन विधायकों की लॉटरी लग सकती है जिनके इलाके से बीजेपी को रिकॉर्ड बढ़त हासिल हुई है।
इसीलिए मंत्रियों में बेचैनी देखी जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं अयोध्या में रामलला के मंदिर में 1600 किलो की हनुमान जी की गदा और 1100 किलो का राम धनुष चढ़ाया जाएगा, जिसे राजस्थान से अयोध्या लाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, ये है पंच धातु से बनाई गई 1600 किलो की हनुमान जी की गदा और ये है 1100 किलो का राम धनुष। इसे देखने वाले हैरान हो जाते हैं। इसे लेकर राजस्थान के शिवगंज से अयोध्या पहुंची हैं आचार्य डॉक्टर सरस्वती गौर। उन्होंने कार सेवक पुरम में इस गदा और धनुष को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को समर्पित किया। इस दौरान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मौजूद थे, जिन्हें हनुमान गदा भेंट कर राम मंदिर में समर्पित किया है। भगवान राम के प्रति अन्यन भक्ति हमारे अंदर प्रतिदिन एक ज्वार के रूप में रहती है, लेकिन एक कोई अवसर नहीं था हमारे पास में कि हम उसको कैसे उसको हम बाहर लेकर आए, हम उसको कैसे प्रदर्शित करें। लेकिन जब 22 जनवरी को जब भव्य राम मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ, हमारे रामलला को टेंट से यहाँ पर एक सुंदर से राजमहल में जब यहाँ स्थापित किया गया, तब हमें भी एक आशा जगी कि हम भी अब अपनी भेंट यहाँ पर चढ़ावे के रूप में अर्पण करवा सकते हैं। इस गदा और धनुष को राजस्थान में भगवान शिव की नगरी शिवगंज में तैयार किया गया है। बीते दिनों राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सिरोही से इसको केसरिया झंडा दिखाकर अयोध्या रवाना किया था। आचार्य डॉक्टर सरस्वती देव कृष्ण का कहना है कि प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद पूरे देश दुनिया के राम भक्तों ने एक अलग ही आस्था प्रभु राम के प्रति दिखाई है, तो वो भी प्रभु राम को कुछ न कुछ समर्पित करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने पंच धातु से निर्मित 1100 किलोग्राम का एक राम धनुष और 1600 किलोग्राम की हनुमान जी की गदा जो पंच धातु में तैयार करवाया। चंपत राय ने कहा था कि इन दोनों वस्तुओं को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा, इसको बनाने के लिए काफी समय लगा। राम नवमी से इसका कार्य लगातार चल रहा था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्रभु राम और पवन पुत्र हनुमान के अलग अलग शस्त्र हैं। प्रभु राम का शस्त्र तीर धनुष है तो पवन पुत्र हनुमान का शस्त्र गदा है। जब प्रभु राम वनवास जाने लगे तब भी धनुष को नहीं छोड़ा था। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान का शस्त्र भी गदा है, जिसके माध्यम से पवन पुत्र हनुमान शत्रुओं का विनाश करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। और यह जो समर्पित होगा और रामलला के लिए, वह रामलला के धनुष पांड को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद गदा भी स्थापित होगी। यह जो भी भक्तगण आएंगे वो रामलला का दर्शन करेंगे और साथ साथ उस धनुष बाण के भी दर्शन करेंगे। इसलिए यह जो कार्य किया जा रहा है बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। इस गदा और धनुष को देखने वाले लोग जोश से गदगद हो जाते हैं। भगवान राम और हनुमान जी के प्रति उनकी श्रद्धा उमड़ने लगती है और ये धनुष और ये गदा चर्चा की विषय बनी हुई है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। चलिए जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 3 साल के मासूम के अपहरण का ये पूरा मामला है। 100 पुलिसकर्मियों की टीम ने मासूम बालक को बरामद भी कर लिया है। ये जो अपहरण हुआ था बच्चा, वो विधायकपुरी इलाके से हुआ था, जहां पर वैशाली नगर इलाके से 3 साल के संगम को बरामद कर लिया गया है। 100 पुलिस की टीम लगाई गई थी, 10 स्पेशल टीम बनाकर इसकी तलाशी शुरू की गई थी और अब बच्चा बरामद कर लिया गया है। फिलहाल ये जो मासूम बच्चा है अयोध्या का बताया गया था, जहां ट्रॉफी का लालच देकर कुछ जो अपहरणकर्ता थे वो ले गए थे, कुछ दूर तक इसको पैदल ले गए थे, उसके बाद ही रिक्शा में बैठाकर इसको इसका अपहरण कर लिया था। जैसे ही पुलिस को पता चली थी, उसके बाद नाकाबंदी के साथ ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया था। संगम का अपहरण करने वाले दोनों आरोपियों की पहचान भी हुई है, जल्द ही दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन ये राहत की बात है कि परिवार वालों को उनका बच्चा वापस मिल गया है। 3 साल का बताया जा रहा है ये मासूम बच्चा, जिसका अपहरण किया गया था ट्रॉफी का लालच देकर। जो आरोपी हैं वो बच्चे को लेकर फरार हो गए थे। हालांकि 100 पुलिसकर्मी
लगातार इस पूरे मामले पर बच्चों की तलाश में जुटे हुए थे और आखिरकार संगम नगर से बच्चे को बरामद कर लिया गया है। 10 स्पेशल टीम बनाकर ये नाकाबंदी की गई थी और सर्च ऑपरेशन किया गया था। हालांकि बच्चा चोरी का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले राजस्थान से निकलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके इन पर अंकुश जो है वो अभी तक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये पुलिस की सतर्कता है कि बच्चे जो है वो बरामद कर लिए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे चोर गैंग का कहीं ना कहीं पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि सिरोही में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि सिरोही पुलिस ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने बर्थडे बनाने वालों के घर पर दबिश दी है। दरअसल सिरोही डीएसपी के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई है। जल्द सभी लोगों के खिलाफ होगी ठोस कानूनी कार्रवाई, डीएसपी की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये जो वीडियो सामने आया था, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड पर जो है बर्थडे मनाया जा रहा था, पटाखे आतिशबाजी की जा रही थी, इस पूरी खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया था। सिरोही से ये खबर थी, लेकिन अब इस पूरे मामले पर डीएसपी के सुपरविजन में कार्रवाई, जल्द सभी लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर किस तरीके से बर्थडे मनाया जा रहा है।